नमस्कार, टेस्टी फूड विद रिया में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाएंगे बेसन का हलवा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। और इसे बनाने के लिए हमें निम्न सामग्री की आवश्यकता होगी। ये एक कटोरी हमने बेसन लिया है, यानी कि 100 ग्राम हमारा बेसन है। और एक कटोरी ये चीनी ली है, यानी कि 100 ग्राम ही हमने चीनी ली है। और इसी से कटोरी से नाप कर ये 3 गुना दूध, यानी कि 300 ग्राम हमने दूध लिया है। अगर आपके पास दूध ना हो तो दूध की जगह पानी का यूज कर सकते हैं। और बेसन को भूनने के लिए ये हमने 8-10 छोटी चम्मच देसी घी लिया है। और हलवे को गार्निश करने के लिए ये 8-10 बादाम को चॉप कर लिया है। और ये 15-20 किशमिश, 3 छोटी इलायची ली है। तो हलवा बनाना अब शुरू करते हैं। ये गैस को हमने चालू करके पैन को गर्म होने रख दिया है। अब इसमें हम ये देसी घी डालेंगे और थोड़ा सा घी इसमें से हम बचा लेंगे। घी को थोड़ा मेल्ट होने देंगे। घी हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम बेसन डालेंगे और बेसन को लगातार चलाते हुए अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हमें बेसन को लगातार चलाते हुए रहना है, नहीं तो ये नीचे जल जाएगा। और फ्लेम को हमें मीडियम रखना है। ये बेसन हमारा अच्छा गोल्डन ब्राउन दिख रहा है और इसमें से घी भी अलग होने लग गया है। अब हम इसमें चीनी डालकर इसे 3-4 मिनट और भूनेंगे। चीनी डालकर भूनने से इसका कलर बहुत अच्छा आता है। इसे चलाते हुए 3-4 मिनट तक और भूनते हैं। इसे भूनते हुए चीनी डालकर हमें करीब 4 मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम दूध डालेंगे। चीनी आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब दूध डालकर इसे लगातार चलाते रहेंगे। अगर आपके पास दूध ना हो तो दूध के जगह हम पानी यूज कर सकते हैं। अगर दूध कम है तो दूध और पानी दोनों मिलाकर डाल सकते हैं। और इसे लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएंगे। हलवा हमारा अच्छा गाढ़ा हो गया है और इसे पकाते हुए करीब हमें 6-7 मिनट हो गई हैं। अब इसमें हम ये इलायची पाउडर डाल देंगे और इसे अच्छी तरीके से मिला देंगे। और थोड़े से बादाम और किशमिश ये डालकर भी इसे अच्छे से मिला देंगे। और इसी स्टेज पर आप इसमें 2 छोटी चम्मच घी और डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरीके से इसमें मिला देंगे। ऊपर से डाला हुआ घी बहुत ही टेस्टी लगता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। हलवा बनकर हमारा तैयार है। अब इसे हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं। ये हलवा हमारा तैयार है। इसके ऊपर से थोड़ा सा घी और डाल देंगे, जिससे तैरता हुआ घी बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसे गार्निश के लिए ये बची हुई हमारी किशमिश और बादाम के टुकड़े डालकर इसे गार्निश कर देंगे। तो हलवा बहुत ही टेस्टी लग रहा है। तो आप भी अपने यहाँ बेसन का हलवा बनाइए, खाइए। और इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।